जो भी कार्य करोगे उन आइडिया के बेसिस पे आगे उसका किसको फायदा होगा, उस कार्य को मैं कैसे करूं, ये सब चीजों इनका जो थॉट प्रोसेस है उस सब को हम कह देते हैं दैट इज इन सिंगल टर्म्स एज इनोवेशन। सो इनोवेशन इज द वे यू आर थिंकिंग, आप किस चीज को किस तरह देख रहे, सोच देख रहे हो, सोच रहे हो और उसके बाद उसे कैसे आप समझ के कर रहे हो, ठीक है, ये एक इनोवेशन है। इनोवेशन कहाँ से आती है? इनोवेशन हम ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर या किसी चीज को देखकर, हमने देखा एक चीज बिगड़ रही है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है, या इस चीज की कमी है, इस चीज को हम कैसे सुधार सकते हैं, तो उसे हम इनोवेशन कर सकते हैं। सपोज आपकी एक आपके गलियों में ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं, सड़क बहुत वो नैरो होती है, अब उन नैरो सड़कों में ट्रॉली बड़ी होती है, ट्रैक्टर फिर भी छोटा होता है, उन नैरो गलियों में ट्रॉली कैसे जाएगी, बड़ी बहुत समस्या है। क्यों ना हम ऐसा कुछ जुगाड़ करें, ऐसा कुछ विचार दिमाग में लाएं कि हमारी ट्रॉली जो आगे से उठ के पीछे को तो होती है ना ट्रॉली, क्यों ना उसे साइड से हम ऐसे वो कर दें कि वो एक पहिए के बेस पे ही पड़े और आपकी ट्रॉली थोड़ा मुड़ जाए, जैसे वो पूरी जगह की जरूरत ना पड़े, वो उन नैरो नैरो गलियों पर भी चल सके। दिस इज इनोवेशन। आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? क्योंकि आपने पहले एक समस्या देखी, एक विचार आपके पास आया कि इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और सोल्यूशन कैसा है बच्चों, जिससे किसी का फायदा हो रहा हो। इनोवेटिव माइंड सबके होते हैं, सबके पास बहुत ब्रिलियंट दिमाग है, सब कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं, पर उस सोच को कैसे किसी के लिए मैं फायदेमंद बना सकती हूँ, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, उसका पीछे मेन थीम है इसका इनोवेशन का। और आज के टाइम में इनोवेशन जरूरी नहीं है, इनोवेशन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही इनोवेशन हो सकती है, हर चीज में इनोवेशन हो सकती है, चाहे आप मेडिकल भी चूज करो, चाहे आप एमबीए आगे चूज करोगे, चाहे आप लॉ भी चाहते हो, हर एक नया कुछ भी अगर आप करते हो वो उसे इनोवेशन कहा जा सकता है। पर हम इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है, वो रास्ता चूज करता है जो आसान हो, और ज्यादातर डिस्ट्रक्शन वाला रास्ता आसान होता है, जहां हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव जिसका कुछ आउटपुट अच्छा है, आउटकम अच्छा है, उस पर हम काम करेंगे तो उस चीज में हमें क्या परेशानी होगी।